अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल माजिद, एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ। आज हम अल्लाह के वली हज़रत मोहम्मद गोस ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह शरीफ पे जा रहे हैं, जो ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और आज हम आपको दरगाह शरीफ की पूरी ज्यारत कराएंगे और जो भी उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ मेरे नाना अब्दुल जब्बार साहब भी चल रहे हैं, तो चलते हैं दरगाह शरीफ पर और दरगाह शरीफ की ज्यारत करते हैं। एक शब सो गया घर पर, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर तो पहुँचा मुस्तफ़ा के दर। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर एक शब सो गया घर पर, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर तो पहुँचा मुस्तफ़ा के दर। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह हम दरगाह शरीफ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोज़ा मुबारक सरकार का नज़र आ रहा है। ये दरगाह शरीफ बहुत ही खूबसूरत है और दरगाह भी बहुत ही आलिशान है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं, और जो जो मालूमात हासिल करेंगे सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल शान ए औलिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर लेते हैं। दम दम दस्तगीर उसे आजम मेरे पीर, दम दम दस्तगीर उसे आजम मेरे पीर, हुस्न वरा उसे दीवाना हो दस्तगीर का, उसे दीवाना हो दस्तगीर का, हुस्न वरा पीराने पीर का, हुस्न वरा। शाह मोहम्मद गोस ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले दुरूद शरीफ की फजीलत जान लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक भेजे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक भेजे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है, और कियामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। चलिए हम और आप मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर जमीन ग्वालियर पुराने जमाने से ही उलमा व मसाइखो, सूफिया व सल्फ सालेहीन के वजूद मसऊद से माला माल है। इन मुबारक हस्तियों ने सदियों तक इल्म मारिफत के प्यासों को अपने फैजाने करम से माला माल किया। इन्हीं में एक बुजुर्ग शाह मोहम्मद गोस ग्वालियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह है। रईसुल कामिलीन सुल्तानुल औलिया गोसुल आलम ख्वाजा हाजी हमीदुद्दीन बिन खतीरुद्दीन अत्तारियुल सत्तारियुल उर्फ शाह मोहम्मद गोस ग्वालियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर इल्मी शख्सियत है। आपकी विलादत 7 रजब हिजरी सन 907 में पटना बिहार के गांव गाजीपुर में हुई। आपका मुबारक नाम मोहम्मद है। आपके नाम के साथ लफ्ज गोस इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज गोस आपकी एक यूनिक पहचान है। गोस आपका लकब है और आप मकामे गोशियत पर भी फाइज है। एक मर्तबा शाह मोहम्मद गोस रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद हाजी हमीदुद्दीन हसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक करीब 9 या 10 साल की थी। आपके पीरो मुर्शिद हाजी हमीदुद्दीन हसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको आता देख फरमाया, आओ मोहम्मद गोस आओ। ये सुनकर वहाँ हाजिर लोगों ने हाजी हमीदुद्दीन हसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा, आपने इस बच्चे को गोस कहकर क्यों पुकारा? ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये गोस कैसे हो सकता है? हाजी हमीदुद्दीन हसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ये लड़का मकामे गोसियत पर फाइज होगा।
इस तरह निगाह मुर्शिद ने बचपन में ही जान लिया के आप गोशियत के आला मकाम पर फाइज हो गए। कुतुब गुजरात उस्तादुल हिंद हजरत शाह वजीहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो साहिर उलूम में माहिर कामिल उलमा है, इन्होंने शाह मोहम्मद गोश रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक आप गोसुल औलिया हो और जो इसमें शक करे वो काफिर है। आपके वालिद माजिद का नाम खतीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपका नसब ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह से जा मिलता है। आप हाजी हमीदुद्दीन हसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद है। आप सिलसिलाए सत्तारिया के अकाबिल औलियाए कामिलीन में से है और इस सिलसिलाए सत्तारिया को आम करने में और फैलाने में आपने काफी जद्दोजहद की है। जलवा रोशन है रोशन जमीर का हुस्नरा शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह के तालुकात मुगल बादशाहों के साथ बहुत अच्छे थे। शहंशाह बाबर, हुमायूं और अकबर आपके अकीदतमंद थे और आपका बेहद अदब और एहतराम किया करते। मुगल बादशाह हुमायूं और शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह की आपस में गहरी दोस्ती थी। शहंशाह हुमायूं आपके मुरीदों में शामिल था और आपको अपना रूहानी पेशवा मानता। सल्तनत हिंद पर हुकूमत हासिल करने में शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह हुमायूं की रूहानी तौर पर मदद फरमाई। इन्हीं की दुआओं से हिंद पर मुगल सल्तनत लंबे अरसे तक कायम रही। बादशाह हुमायूं जब तख्त पर बैठा तो उसने शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 1 करोड़ अशरफी, 40 हाथी और 15 महल तोहफे में दिए। हिंदुस्तान का मशहूर संगीतकार तानसेन आपके मुरीदों में शामिल था। तानसेन का जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन मुर्शिद के करम से तानसेन ईमान ले आया। तानसेन शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेहद अदबो एहतराम किया करता। तानसेन की दिली इच्छा थी कि उसे मरने के बाद अपने पीरो मुर्शिद शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों के पास ही दफनाया जाए। तानसेन की कब्र शाह मोहम्मद गोश ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ के सहन में ही है। आपका विसाल पाक 14 रमजान 970 हिजरी को हुआ। आपके विसाल के बाद ग्वालियर शहर में मुगल बादशाह अकबर ने आपका अजीम शान मकबरा बनवाया। आपकी दरगाह शरीफ बहुत खूबसूरत है। दरगाह शरीफ का सहन भी बहुत बड़ा है। दरगाह शरीफ के साथ ही एक मस्जिद भी है। ये मकबरा ग्वालियर शहर में बहुत मशहूर है। आप यहाँ आसानी के साथ पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस की लिंक भी आपको दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, दरगाह शरीफ की ज्यारत मुकम्मल हो गई। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और एक आलिशान रोजा है आपका। आप भी यहाँ जरूर आइएगा और आप यहाँ पर आके इनके सदके में दुआ मांगिएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को भी ज़रूर कबूल करेगा। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरगाह शरीफ की ज़्यारत कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल शान ए ओलिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।